अस्सलाम वालेकुम। पंजाब असेंबली के हलका पी पी 286 और एन ए 184 डेरा गाजी खान से आज़ाद उम्मीदवार जय दफ्तर लुंड की एक वीडियो सोशल मीडिया पर गर्दिश कर रही है, जिसके अनुमान में दावा किया गया है कि इन्हें ज़बरदस्ती धांधली के जरिए इलेक्शन जितवाया गया। दल का वीडियो ट्विटर पर नया पाकिस्तान नामी अकाउंट से पोस्ट की गई, जो इस वक्त सोशल मीडिया पर वायरल हो चुकी है। वीडियो में देखा जा सकता है कि आज़ाद उम्मीदवार जावेद अख्तर सूफे पर बैठे बयान रिकॉर्ड करवा रहे हैं। जिस अकाउंट से ये पोस्ट की शेयर की गई, उस पर अनवान दर्ज है कि मुझे ज़बरदस्ती जितवाया गया, मेरा मुखालफ उम्मीदवार सरदार फरत पीटीआई जीता हुआ था, जिसे जीते हुए को हराना अवाम की मैंडेट की तोहिन है। आज़ाद उम्मीदवार जावेद लुंड की जैली मैंडेट लेने से इनकार, धांधली की मजम्मत, पीटीआई उम्मीदवार को मुबारकबाद दे दी। जब मामले की तहकीकात की तो मालूम हुआ कि सोशल मीडिया पर फैलाई जाने वाली इस खबर में सदाकत नहीं है। इलेक्शन कमीशन की जारी करदा हलका पी 286 और एन ए 184 के फार्म 47 के मुताबिक जावेद अख्तर दोनों हलकों से हार रहे हैं। ज़बरदस्ती जीतने के दावे में कोई सदाकत नहीं। हलका पी पी 286 जावेद अख्तर 17,265 वोट लेकर तीसरी पोजीशन पर रहे, जबकि हलका एन ए 184 में जावेद अख्तर सिर्फ 507 वोट हासिल कर सके थे। जावेद अख्तर लुंड ने खुद भी अपने फेसबुक अकाउंट से वजाहत की है कि यह खबर झूठी है। अपनी पोस्ट में वायरल स्क्रीनशॉट्स शेयर करते हुए जावेद अख्तर ने लिखा कि मीडिया पर चलाई जाने वाली खबर की तस्दीक करना चाहूँगा। मेरा नून लीग से कोई तल्लक नहीं, मैं पीटीआई का हिस्सा था। टिकट ना मिलने पर मैंने नून लीग के खिलाफ आज़ाद हैसियत से एक्शन लड़ा और मैंने वीडियो में अपनी नहीं बल्कि नून लीग के उम्मीदवार को पीटीआई की हमायत याफ्ता आज़ाद उम्मीदवार के खिलाफ जितवाने की बात की है। उन्होंने मज़ीद कहा कि इसकी मैं पुरजोर मजम्मत करता हूँ। तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि इसकी दुरुस्त की कर लें। वाजा रहे कि जावेद अख्तर आज़ाद हैसियत से इलेक्शन में हिस्सा ले रहे थे और इन्हें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हमायत असल नहीं थी। उम्मीद है कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी और इसको दूसरों के साथ शेयर और लाइक करें ज़रूर, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।